हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताई थी, भौतिक विशेषताएं का उल्लेख करा था। मुख्यतः वो तीन विशेषताएं थी, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि। ये प्राथमिक समूह की भौतिक दशाएं थी जिनको डेविस ने विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत करा था। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं से संबंधों की कुछ अन्य मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं का उद्दय होता है या प्रकट होती है, उनको प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताएं या संबंधों की प्रकृति कह के प्रोफेसर डेविस ने इनको आंतरिक विशेषता के रूप में प्रकट करा है, वो इस प्रकार से है। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं से संबंधों की मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं का विकास होता है, वह निम्न है। फर्स्ट है उद्देश्यों की समानता। संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंध व्यक्तिगत होते हैं, संबंध संपूर्ण होते हैं, संबंध का स्वतः विकास होता है। प्राथमिक संबंध की नियंत्रण शक्ति, ये है प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं। इनको एक एक मैं टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। फर्स्ट है उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की जो इच्छाएं अथवा प्रवृत्तियां होती है प्रायः वो समान होती है। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। मतलब प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं, एक समूह के जो सदस्य होते हैं उनके उद्देश्य समान होते हैं, उनका दृष्टिकोण भी एक सा होता है, इसलिए वो साथ रहते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हितों को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। मतलब दूसरे के हित स्वयं के हित, दूसरे के उद्देश्य स्वयं के उद्देश्य, इसलिए उनके उद्देश्यों में समानता होती है। उदाहरण के रूप में जैसे एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए अपने स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करती, और कई बार वो अपना खुद का स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेती है बच्चे का लालन पालन करते हुए, क्योंकि ऐसे में माता का जो उद्देश्य यही है कि उसके जो बच्चे हैं वे स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़े और वो सुखी रहें, तो यही उनका उद्देश्य है। इसके लिए उनका निजी किसी प्रकार का स्वार्थ उसमें छिपा हुआ नहीं रहता है, इसलिए उद्देश्यों की समानता पाई जाती है। एक परिवार भी इसका इस तरह का उदाहरण है। अगली विशेषता है संबंध स्वयं साध्य होते हैं। ऐसा नहीं कि जो संबंध अपन स्थापित करते हैं उनके पीछे को स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, संबंध अपने आप में स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते हैं। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। मतलब संबंधों को बनाए रखना अति महत्वपूर्ण होता है। यह संबंध संविद्या, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्य से प्रभावित नहीं होते। मतलब संबंधों में किसी प्रकार का कोई समझौता या कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई बात नहीं होती है, और ना कोई आर्थिक लाभ को देखा जाता है और ना कोई राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संबंध बनाए जाते हैं। ये जो संबंध होते हैं वह आत्मिक, भावनात्मक और अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत होते हैं, आत्मिक होते हैं, भावनात्मक और अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो संबंध स्वयं साध्य होते हैं। थर्ड जो विशेषता है, संबंध व्यक्तिगत होते हैं। संबंध व्यक्तिगत होते हैं, मतलब प्राथमिक समूह में प्राय समूह में पाए जाने वाले संबंध व्यक्ति प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के
रूप में रुचि होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में रुचि नहीं हो। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं इसका, माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई अथवा भाई बहन में, मित्रों में व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित भी नहीं होते। मतलब कि व्यक्ति का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का स्थान दूसरा व्यक्ति नहीं लेता। जैसे आप फॉर परिवार का एग्जाम्पल लें अपन, तो जैसे पिता का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, जो अपनी बहन है रियल बहन उसका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। तो व्यक्तिगत संबंध में व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में महत्व पाया जाता है। यहाँ किसी का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, इसलिए प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो व्यक्तिक होते हैं। फोर्थ जो विशेषता है, संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह में संपूर्णता का गुण पाया जाता है, संबंधों में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंधों में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू नहीं है आता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बनने वाले व्यक्ति दीर्घकाल से चले आ रहे परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। संबंध संपूर्ण होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ क्षण के लिए संबंध हुए और फिर वो समाप्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। संबंधों की काफ़ी लंबी अवधि होती है, उसके कारण उनके जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ संपर्क और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो अपन अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर और मरीज के जो संबंध होते हैं वो संबंध संपूर्ण नहीं होते, वो कुछ समय के लिए होते हैं। जब तक अपना स्वार्थ है जब तक अपन वहाँ जाएंगे और वो संबंध उतने ही बने रहेंगे। बीमारी से मुक्त करना, शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहता है, इन संबंधों में संपूर्णता नहीं पाई जाती। जब तक एक लिमिटेशन है उसके बाद वो संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन में किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता, वह तो उसके मतलब संपूर्ण पक्षों में उसकी हेल्प करता है, चाहे उसकी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो या पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, सभी प्रकार की उसकी जो समस्याएं हैं उनके निवारण वो करता है, इसलिए संबंधों में संपूर्णता पाई जाती है। मतलब एक ही प्रकार के संबंध नहीं होते विशेष, जैसे डॉक्टर से अपने होते हैं, टीचर से होते हैं या किसी व्यापारी से होते हैं या राजनीतिक दल से होते हैं, तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो संपूर्ण नहीं होते, बस जीवन के एक ही पक्ष को स्पर्श कर पाते हैं, सभी पक्षों को वो स्पर्श नहीं कर पाते। फिफ्थ इसकी विशेषता, संबंध का स्वतः विकास होता है। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं, इनके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। ये जो इस प्रकार के संबंध होते हैं स्वतः बनते हैं, इन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। जैसे अपन किसी को से मित्र बनते हैं अपने, तो किसी दबाव या स्वार्थ के कारण अपन नहीं बनाते। कोई किसी को मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने या किसी के प्रति स्नेह अथवा श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी पे दबाव डलाए कि आप मेरे मित्र बनो या मेरे से प्रेम करो या मेरे से श्रद्धा रखो, ऐसा वो नहीं कर सकते। लेकिन प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं, किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते। ये संबंध तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से ही बनते हैं, स्वतः ही विकसित होते हैं। इसलिए संबंध प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं, संबंध का स्वतः विकास होता है, किसी दबाव से या किसी प्रकार से इच्छा से ये संबंध नहीं बनाए जाते। अगली जो विशेषता है, प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। तात्पर्य है कि प्राथमिक जो संबंध है उनसे आपने देखा होगा हम परिवार में या अपने मित्रमंडल जो समूह है उसके जो संबंध है, परिवार के जो संबंध है, अपने पड़ोसियों के संबंध है, उससे काफ़ी नियंत्रण उसमें नियंत्रण शक्ति होती है। उसके द्वारा पूरे समूह को नियंत्रित किया जाता है। जैसे संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारण प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है।
के मतलब संबंधों की संपूर्णता और घनिष्ठता के कारण जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो उसके अपने पूरे समूह के लिए क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए समूह की अवहेलना नहीं कर सकता। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा जिसमें आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती हो। कि एक व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता जिससे उसका जो समूह है उसको कष्ट उठाना पड़े या समाज में उसका मान सम्मान कम हो या जो आदर्श प्रतिमान है एक समूह के उनकी अवहेलना हो। तो आपने देखा होगा कि हम अपने परिवार या मित्र समूह में अपने सदस्यों को व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर लेता है, मतलब कि ये परिवार के द्वारा पड़ोस के द्वारा हम काफ़ी नियंत्रित रहते हैं, कोई इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार के कार्य नहीं करते जिससे कि अपने परिवार में अपने मित्रों में अपने पड़ोसियों की जो दृष्टिकोण है उसमें अपना सम्मान घटे या वो अपन को है दृष्टि से देखे। तो प्राथमिक संबंध नियंत्रण की शक्ति पाई जाती है जिससे व्यक्ति उन आदर्श समाज के जो आदर्श नियम हैं उनकी अवहेलना नहीं करता, उनको तोड़ता नहीं है और उनके अनुसार अपना व्यवहार को बनाए रखता है और लोगों समूह के सदस्यों से वो आचार विचार करके खुद भी नियंत्रित रहता है और समूह के अन्य सदस्यों को भी नियंत्रित रखता है। तो प्राथमिक संबंध नियंत्रण का कार्य करते हैं, इससे स्पष्ट होता है। तो ये थी प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं जिनको हम मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं के रूप में भी देख सकते हैं या संबंधों की प्रकृति के रूप में भी देख सकते हैं। मानसिक का मतलब है कि ये उद्देश्यों की मानसिक रूप से ये नज़र नहीं आते कि मानसिक एवं चरित्रगत मतलब कि किस प्रकार से प्राथमिक समूह है वो हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, वह हमारे चरित्र निर्माण में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, यही इसकी संबंधों की प्रकृति है प्राथमिक समूह की। धन्यवाद।